जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अनीस फारूकी जी और अर्जू काजमी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि पाकिस्तान की आज वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, किस स्थिति में पाकिस्तान खड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान की दोहरी नीतियों की वजह से ही हर समय पाकिस्तान नीचे आता गया है। तो 1993 की लड़ाई में भी पाकिस्तान को जनरलों ने जो नीचे मुंह करके दिखाया, उससे आज तक हम शर्मसार हैं। और कहीं ना कहीं इन जनरलों की वजह से ही पाकिस्तान की हुकूमत सही से नहीं चल पाती और पाकिस्तान की आवाम को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एक कट्टरपंथ का जो संचार किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जनरलों की वजह से किया जा रहा है। क्योंकि 1993 की लड़ाई में भी अनीस फारूकी जी बता रहे हैं कि 1993 की लड़ाई में भी कहीं ना कहीं ये जनरल रेपिस्ट थे, जो रेप पे ध्यान देते थे। और पाकिस्तान के जितने भी जवान थे, उनको जिनको सरेंडर भारतीय सेना ने करवाया था और घुटनों के बल बिठा दिया था, वो सारे के सारे आज शर्मसार महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है अनीस फारूकी जी ने। तो देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लेकिन हम उस सच को कब मानेंगे का, क्योंकि अगर हम मानेंगे नहीं तो फिर हम काम कैसे करेंगे। हम तो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। साथ के साथ आपने फवाद चौधरी साहब का नाम लिया। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी अगर 3 रुपए की जो मेडिसिन थी, अगर वो 7 रुपए की हो गई तो कौन सी क़यामत आ गई। वही ना, अब आप बताएं कि एक तरफ आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, एक तरफ दुनिया के माहिरीन कुछ कह रहे हैं, एक तरफ फवाद चौधरी साहब आएंगे कहेंगे दवा की कीमत में 4 रुपये इजाफा हो गया तो क्या होगा। आप क्या समझते हैं कि 22 करोड़ के 22 करोड़ आवाम गधे हैं, या वहाँ उनमें से कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है। वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं, लम्स के माहिरीन हैं, कराची यूनिवर्सिटी है, दुनिया पंजाब आपका जो पता है ये तालीम का एक गढ़ है। वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो हंसते होंगे इन लोगों पे कि हमने किन लोगों को, किन गधों को सेलेक्ट करके हमने असेंबली में भेज दिया है, जो हमें ये 3-4 रुपए की दवाई का, और ये बताते हैं कि दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया, या बाहर से अपने 2-4 युवतियों की वीडियो मंगवा के खुश हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान में आप लोग समझते हैं कि सब लोग गधे हैं, ये 20 करोड़ गधे रहते हैं यहाँ पे, या हम जो बाहर बैठे हुए इतने सारे लोग बैठे हैं, ये सब जो है इल्म से बिल्कुल हम बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। भैया आप बात वो करो जो लोगों की समझ में आए, या अगर आपको डिफेंस उसका नहीं मिल रहा, आप उसको डिफेंस सही से नहीं कर रहे तो मत बोलिए, लेकिन नज़र ना चुराएं। मेरा कहना यह है कि जो भी शख्स मुल्क से मोहब्बत करता होगा वो कम से कम नज़र नहीं चुराएगा। वो बात तो करेगा कि यार ये देखो इसको हम फिक्स करने के लिए यही कोशिश कर रहे हैं, या वो ये कह दे कि जी हमें एहसास है, हम पाकिस्तान को दरपेश मुश्किल का, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। लेकिन ये कह देना कि जी बिल्कुल सब अच्छा है, और इमरान साहब सब सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो कहते हैं हाँ सब अच्छा है, ऐसा तो नहीं करें। ये जुल्म है, ज्यादती है, ऐसा मुल्कों में नहीं होता। जो मुल्क बहरान का शिकार होते हैं उनके साथ इस तरह के रवैये नहीं रखे जाते। सर फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना है कि जी लोग जो है ना, जो सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चूल्हों में, वो थोड़े होशियार हो जाएं, इसलिए कि सुई गैस के जखायर हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं और कुछ ही साल में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सर हमें पाकिस्तान स्टडीज़ में जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको आज भी हम यही पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ में कि हमारे पास तो बेशुमार कीमती जखायर है और जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, तो ये हम कर क्या रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ना कि कराची में बहुत सारे जजीरे इधर पड़े रखे हुए हैं, इधर बहुत सारे खजाने रखे हुए हैं, उधर से खोदेंगे तो गैस निकल आएगी। उनको तो वो कहते हैं कि वो बलूचिस्तान में वो पाइप डालते हैं और फिर लोगों के घरों में गैस पहुंचा देते हैं, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है गैस की सप्लाई के। हो सकता है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक वसाइल से मालामाल मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या हम उन वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं दुरुस्त तरीके से? क्या वो वसाइल जहाँ से निकल रहे हैं क्या वहाँ के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? क्या जहाँ से गैस निकल रही है क्या उनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं? या सदियों से, मैं ये बात कर रहा हूँ सदियों से तो नहीं लेकिन कई दिहाइयों से, अगर आप देखा जाए 70 साल से जायद पाकिस्तान में कराची के लोग, इस्लामाबाद के लोग, पेशावर के लोग, लाहौर के लोग, जो बड़े शहर हैं फैसलाबाद के लोग, उनके घरों में चूल्हे जब वो ऑन करते हैं तो एकदम से गैस आ जाती है, वो अपना खाना पका लेते हैं। क्या यही सहूलत उन लोगों को मैसर है जहाँ से वो गैस निकल रही है? बलूचिस्तान के लोगों को, सुई के लोगों को क्या ये सहूलत मैसर है? क्या उनके दूर दराज के देहात और गांव में ये सहूलत मैसर है? क्या हम उन वसाइल के देने वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कुछ उनको उसका पैसा अदा कर रहे हैं? हम सिर्फ उनको उस ज़मीन का, जो बक्की साहब के साथ एक माहिदा हुआ था, उस ज़मीन का एक
किराया अदा करते हैं, उस गैस की रॉयल्टी अदा नहीं करते हैं। जो लोग इस बात को करते हैं ना कि गैस की रॉयल्टी बलूचिस्तान को जा रही है, एक पैसा नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जा रहा है तो उस ज़मीन का जो उनके साथ जो जिस ज़मीन जो ज़मीन बुख्ती ख़ानदान की है उसकी वो एक किराया उनको दिया जाता है वहाँ पे अपना काम करने का। तो बहरहाल ये बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट हैं जो कि आपको भी मालूम है कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमें उन ज़्यादतियों को भी करना है। लेकिन जो आपका सवाल है कि वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को एक तो हम आउटसोर्स कर देते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, इमरान खान का सिर्फ कसूर नहीं है, हम देखेंगे हम किसी न किसी दौर में अपने वसाइल को, इवन ये कि एक ज़माने में जो कि कराची के साहिल की एक सफ़ेद सुनहरी मट्टी रेत हुआ करती थी उस तक को हमने ट्रकों में ट्रक ट्रक में भर के बेचा है दुनिया को। हमने चाइना को अपने कॉलोनी समझ के पाकिस्तान को उनको कहा कि तुम बलूचिस्तान का ठेका उठा लो, तुम गवादर में चले जाओ और गवादर अब तुम्हारा हुआ, हमने तुम्हें दिया, जहेज में दिया, बरी में दिया, व्हाटएवर। आज आप देखें गवादर के लोग निकले हैं चीख रहे हैं, कराची की यही सूरत हाल है, कराची को हमने मलिक रियाज के हवाले कर दिया है और कह दिया कि इसकी सारी ज़मीन ये वतन तुम्हारा है और ये ज़मीन तुम्हारी है, पाक सर ज़मीन शादबा। तो वसाइल हैं उनको आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, और उसके अलावा जो दुनिया से हम अपनी ही चीज़ों को बाहर बेच के उनसे महंगे दामों खरीदने की जो ये आदत है इसको भी दुरुस्त करनी होगी। फिर आप कहते हैं कि शुगर का बहरान पैदा हो गया, फिर आप कहते हैं कि आटे का बहरान पैदा हो गया। इकनॉमिकली हमने कोई सही से प्लानिंग की नहीं है हमने, और ये बिल्कुल जैसे कहते हैं कि ग्रैनुलर लेवल पे बहुत इसको छोटे लेवल पे इसकी प्लानिंग होती है जो इसके असरात बड़े लेवल पे आते हैं। सो आई थिंक वी नीड अ गुड मैनेजर जो कि इसको मैनेज कर सके, इस डार टाइप का कोई इंसान हो या कोई और हो जो आए और उसको कहे कि इसको सही करें। और दूसरी बात ये कि जो कि हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान के ख़जाने का जो एक बड़ा हिस्सा है वो कहाँ जाता है, वो एक ऐसे नादीदा अनदेखे डिफेंस पे जा रहा है कि जो कि हमें दुश्मन का भी नहीं पता, जिसने कभी हमला भी नहीं किया, जो कोई नाजुक मोड़ भी नहीं आया, लेकिन हम खर्च किए जा रहे हैं तैयारी में कि कल को हमला होना। सर वो तो हम आज भी कह रहे हैं, आज जब 16 दिसंबर को भी आज हमारे टीवी जो है चिल्ला चिल्ला के यही बता रहे हैं कि जी भारत ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि हमने बंगालीज के साथ क्या किया था। हम अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, सारा क्रेडिट या मलबा हम भारत पे डाल रहे हैं, कहाँ तक सही है। गलतियाँ कौमों से होती हैं, देखें गलतियाँ होती हैं, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जो सपूत ढाका हुआ उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और गलतियाँ यकीनी तौर पर उनको हम गलतियाँ कह सकते हैं। गलती वो होती है जब आपने एक बार की हो और उसके बाद आपने उससे कुछ सबक सीख लिया हो, लेकिन अगर आपने गलती की हो और उससे सबक भी ना सीखा हो और बार बार वो गलती दोहरा रहे हो तो फिर वो गलती नहीं होती, वो बेवकूफ़ी होती है, वो नादानी होती है, वो जो इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान में वही हिस्ट्री दोहराई जा रही है। पहले सिर्फ एक बांग्लादेश में दोहराई जाती थी, अब वो पाकिस्तान के हर खत्ते में दोहराई जा रही है, अब वो कराची में भी दोहराई जा रही है, अब वो वजीरिस्तान में भी दोहराई जा रही है, अब वो बलूचिस्तान में भी दोहराई जा रही है और अब वो पंजाब में भी दोहराई जा रही है। यानी कि जो महरूमियों के ज़रिए इस तरह के तसव्वुरात और ख्यालात पैदा होते हैं, इस तरह की अलहदगी पसंदी की सोच जन्म लेती है, वो आज भी हम उससे कोई सबक नहीं सीखा। हमने लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का अमल किया, हमने लोगों को प्लस करने के बजाय लोगों को माइनस करने का अमल किया, हमने लोगों को बोलने देने के बजाय उनकी आवाज़ बंद की। यही काम हमने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, यही काम हमने बंगालियों के साथ किया था, हमने उन पर ज़बान थोपी थी और हमने उनकी नस्ल चेंज करने का अहद किया था। आपको मालूम है कि ये कितना कभी फेल है, कितना बहिमाना फेल है कि किसी की नस्ल चेंज करने का मतलब यह है कि अगर एक पश्तून फैमिली गैरतमंद फैमिली है उसकी नस्ल में हम रेप के ज़रिए अपनी नस्ल शामिल करेंगे और उन्होंने ये काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर ये हम नहीं करते तो शायद ये बांग्लादेश की नौबत नहीं आती, लेकिन चले गलती हो गई, माफ़ कर दें। 93,000 लोग वहाँ पे, मैं तो आज ये कहता हूँ कि 93,000 सिपाहियों का कसूर नहीं था सर, कसूर उन चंद जनरलों का था मुट्ठी भर जो ये फैसले करते थे, जो अय्याशी करते थे, जो शराबें पीते थे, जो रेप करते थे, जो रेप करवाते थे, ये उनका कसूर था। उसके चक्कर में हमें 93,000 पाकिस्तान के बर्री फौज के जरी सिपाहियों को जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उनको कैद भुगतनी पड़ी भारत में, उनको जो है वो पतलूने उतारनी पड़ी, उनको फिर वहाँ से वापस रिहाई दिलवाई भुट्टो साहब ने। तो आज मैं अपने उन्हीं सिपाहियों से दोबारा कहता हूँ कि आज भी आपके जर्नैल जो कर रहे हैं वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आज आपने उस वक्त भी उनका हुक्म माना था, आज भी आप उनका हुक्म इस तरह से मान रहे हैं कि जी फौज एक डिसिप्लिन इदारा है और हम उनका हुक्म मानेंगे। अपना हलफ गौर से पढ़िए, उसमें वाज़ेह तौर पर एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने अफसर के हर कानूनी हुक्म को बजा लाऊंगा। तो
कानूनी में कहीं आपको ये बताया जाता है कि आप अपने फौजी अफसर अगर कहे कि जवान आज तेरा स्कोर क्या रहा, यानी कि जवान तूने आज कितने रेप किए मुझे उसकी गिनती तो बता, तो ये कानूनी हुक्म नहीं था मेरे सर। आप मैं आपको सिपाहियों से वाजे कह रहा हूँ कि ये कानूनी हुक्म नहीं था, और ये आपने अगर बजा लाया तो आप भी उनके शरीक जुर्म हुए और आपको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो कुछ जर्नल को मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सारे के सारे 90,000-93,000 जितने भी सिपाही थे उन लोगों ने ये काम अफसर के कहने पे या ना कहने पे कुछ ने ना भी किया होगा। एक साहब ने तो ये एक गैरतमंद पाकिस्तान के फौजी ने एक जर्नल को जब ये कहते हुए सुना कि मैं इन बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा, इनको रेप करेंगे, तो उसने जाके वॉशरूम में अपने आप को गोली मार ली थी। किताब में पढ़ लीजिए, आपको ये वाकयात मिलेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये हो चुका, हिस्ट्री है, एक बदनुमा दाग है, एक सियाह भाव है हमारे चैप्टर का। लेकिन क्या अब हम उस चैप्टर से कुछ सीख रहे हैं, या अब हम उसके दिफा में लाखों करोड़ों रुपया लगा के ISPR को ठेके पे दे दिया है, टेलीविज़न की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और अदाकार और अदाकाराएं और गुलकार सारे दे दिए कि जी अब आप जाएं और इसका दिफा करें। मैं कहता हूं उन लोगों से कि इसका दिफा ना करें, इससे सबक सीखें। आपको ऐसा ड्रामा बनाएं कि जिसमें बताएं कि यार तारीख में हमसे ये गलती हुई, हमसे नहीं हुई, हमसे पिछले वालों से गलती हुई, वो सब गलत थे, वो सब मुजरिम थे, हम वैसे नहीं हैं, ना हम वैसा करने का कोई इरादा रखते हैं, लिहाजा हमें जो है अब अपने आप को दूसरे तरीके से लेके चलना होगा, एंड वी विल हैव टू रिस्पेक्ट सिविल लिबर्टीज, शख्सी आज़ादी को हमें इज्जत देनी होगी, हमें लोगों के वोट को इज्जत देनी होगी, हमें आईन को इज्जत देनी होगी, हमें अपने ही लोगों से मोहब्बत करनी होगी। मैं फिर कहता हूँ कि लोगों को अलग अलहदा आप करते हैं, वो खुद नहीं होते। कोई भी मुतालबा जो करता है अलग देश का, वो उस वक्त करता है जब आप उसको माइनस कर देते हैं, फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो हम ऐसी नौबत ना आने दें। और उन लोगों से भी मैं कहूँगा जो ये वादा, जो ये इस तरह की बातें करते हैं कि हमें अलहदा देश चाहिए, देश जो होता है वो ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए आप भी अपने रवैये में लचक लाएं, और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इसमें लचक लाएं, उनको फिर से एक मरतबा मौका दें। आज हम 1971 के जब इस वाक़े को दोहरा रहे हैं तो आइए इस बात का दोबारा इरादा करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये दोबारा ना हो। तो उन लोगों को मरकजी धारे में लेकर आएँ, मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, और उसके बाद बैठें, सब सर जोड़ के बैठें कि हमने ये वाक़ा हुआ था, क्या किया जाए कि ये वाक़ा, ये सोच दोबारा जन्म ना ले। आइए मिल बैठ के इसको लेके चलते हैं। लेकिन मुझे कोई नियत ही नज़र नहीं आती किसी की, तो फिर जो कर रहा है वो अपनी जगह सही कर रहा होगा। तो सर नियत कैसे होगी अगर हम उस चीज़ को सही मानेंगे और हम कहेंगे हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर कैसे सही होगा? लेकिन सर आपने गवादर का जिक्र किया, गवादर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो आज खत्म हुआ है, एक ऑलमोस्ट एक महीने के बाद पूरा